شدید قسم کا آف روڈ ہے یہ. یہ دیکھیں گلیشیئر پگھلنے. السلام علیکم دوستوں, ویلکم بیک ٹو دا چینل. ابھی کا سین یہ ہے کہ ہم لوگ کیل میں موجود ہیں اور تاوبت کے لیے روانہ ہیں. تاوبت بس انشاءاللہ ڈیڑھ دو گھنٹے میں ہم ٹریک کر لیں گے اور ڈیڑھ دو گھنٹے میں دن بھی پورا ہو جائے گا. تو چلتے ہیں, اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں اور میں آپ کو روڈ کنڈیشن بھی دکھاؤں گا کہ روڈ کہاں تک کا بنا ہوا ہے اور کہاں تک کا روڈ نہیں بنا. تو بسم اللہ پڑھ کے اپنا سفر اسٹارٹ کرتے ہیں تاوبت کا. بسم اللہ ٹھیک ہے چاچا, اللہ حافظ. تاوبت ہے یہاں سے 40 کلومیٹر اور وہ رہا سامنے اڑنکیل. اڑنکیل انشاءاللہ ہم واپسی میں جائیں گے. ابھی یہ پیچھے چچا نے بتایا ہے کہ پل کے بعد جو ہے روڈ تھوڑا پکا ہے. یہ ابھی جو کیل کے گاؤں وغیرہ ہیں وہی ہیں اور یہ گھر بنے ہوئے ہیں. گھر یہاں کے بڑے پیارے اور یونیک اسٹائل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں ایسی یونیک وائب دیتی ہیں, ایسا لگتا ہے کسی دوسری کنٹری میں ہاں, بٹ دس از ان پاکستان. یہ سارے قربانی کے لیے تیار ہوئے ہوئے جانور. کھیل کے بعد سے جو پل تک کا پیچ ہے وہ تو بھائی ایسا ہی ہے, شدید آف روڈ. اور پل میرے خیال سے آنے والا ہے. وہ تاوبت کرو نظر آ گیا سامنے. چلتے ہیں وہیں بھائی, چلتے ہیں کیا جانے ہم نے وہیں پر ہی ہے. تو تاوبت یہاں سے 40 کلومیٹر ہے, پھلاوائی 22 کلومیٹر, جانوائی 19 کلومیٹر اینڈ مچل 6 کلومیٹرس. اس کی ایک پکچر بھی لے لیتے ہیں اور چلتے ہیں اب آگے. السلام علیکم. تو یہاں سے ہم نے انٹری کروا لی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ روڈ جو ہے بس تھوڑا سا ہی ہے. چلتے ہیں اللہ کا نام لے کے. اور یہ روڈ اسٹارٹ. Thank you.
ये ग्लेशियर है और इस वक्त इतनी ठंडी हवा चल रही है, कुल्फी जमी हुई है हाथों की। ये पिघल है ग्लेशियर और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। ये हम लोग दरिया के साथ साथ चल रहे हैं, इस वजह से जो है ऐसा लग रहा है कूलिंग आ रही है। और ये जो ग्लेशियर है इनके पास से तो जब गुजरो ऐसा लगता है आप फ्रीज़र में से घुस रहे हैं। ओए होए होए, लेकिन मौसम बड़ा VIP हुआ है। और पीछे रोड था, अब ये रोड मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, बस आगे मेरे ख्याल से नहीं है रोड। और दिखते हैं कहाँ तक क्या सिचुएशन है। ग्लेशियर पड़े हैं अभी बारिशों के सीज़न की वजह से जो है ये दरिया का पानी काफ़ी ब्राउन हुआ है, वरना आप जैसे उन सीज़न में आए जब बारिशें ना हो तो ये बिल्कुल ब्लू हुआ होता है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, और इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि बस अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। आप ये ग्लेशियर्स देखें, ये भी कितने दूध की तरह वाइट हैं। सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है अल्लाह की। और जैसे आप जुलाई या अगस्त में आते हैं तो ये सब ग्रीन हुआ होता है, सब ग्रीन। और ये जो पानी का ब्लू कलर होता है ना, मैं देखूंगा अगर मेरे पास कोई पुरानी पिक्चर पड़ी हुई जब मैं आया था या वीडियो पड़ी हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग जब भी आएँ उस सीज़न में आएँ, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ऑफ सीज़न में आएँ, टूरिस्ट वगैरह कम हो, सुकून हो, तो फिर आप इस सीज़न में आएँ। इस सीज़न की भी अपनी ब्यूटी है। और ताबत रह गया तकरीबन 37 किलोमीटर्स, गूगल बता रहा है कि हम 1 घंटे 4 मिनट में कर लेंगे, तो लेट्स सी। बीच में हो सकता है एक दफ़ा हमें कहीं रुकना पड़े, इनर शिनर पहनने पड़े क्योंकि सर्दी हो रही है काफ़ी। अच्छा, थोड़े से पैच के बाद फिर ये पक्का रोड स्टार्ट हो गया जी। ये गाइए वाटर क्रॉसिंग, यस। लंबे लंबे दरख्त माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, और यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई भी है लेकिन क्लियर कर दी है अभी, मेरे ख्याल से ये परसों ही क्लियर की है। और इतना सुकून है, बस ये समझ लें मेरी बाइक की आवाज़ और मेरी आवाज़ है, बाकी हसन भाई भी आ गए हैं, तो इतना सुकून है, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं है यहाँ, किसी भी एक चीज़ की फुल टाइम शांति वाला मोड जिसे कहते हैं वो। ये एक आई है ताओबत के रास्ते में वाटर क्रॉसिंग, अब निकलूँ कहाँ से ये समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से यहाँ से निकलता हूँ। अच्छा खासा पानी था इसमें, अच्छा खासा पानी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ दरिया का प्रेशर चेक करें, ये देखें इस पर। ओए ओए ओए, मैं चलता हूँ इस पर खड़े होने में डर भी लग रहा है, ये शायद नजर आ रहा आप लोगों को। चलते हैं आगे,
और जनाब वॉटरफॉल क्रॉसिंग। पानी आएगा ठंडा ठंडा, बिस्मिल्लाह। पानी की छींटे आई हैं एंड स्टिल रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड। हमें तकरीबन 8 किलोमीटर हो गए हैं ताओबत का ट्रैक पकड़े हुए, तो ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक तो अभी तक पक्का ही रोड चल रहा है। बीच में बस एक दो वाटर क्रॉसिंग आई थी, बाकी आगे देखते हैं कहाँ तक रोड है। ऑफ रोड तो है, इतना तो पता है, और VIP लेवल का ऑफ रोड है। ये पहाड़ों का स्टाइल चेक करें, कुदरती कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट जो है प्लेट्स बनी हुई हैं, परतें बनी हुई हैं। तकरीबन 15 किलोमीटर का पक्का ट्रैक था, और उसके बाद जो है हल्का सा कच्चा स्टार्ट हुआ, और अब जो है काफ़ी एक्सट्रीम ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है। और ये रही इस वक्त दोनों बाइक्स, और आगे बारिश बारिश सा कोई मौसम हो रहा है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। ट्रैक ऊपर जा रहा, और ये रहे ग्लेशियर्स। सर्दी हो रही है भाई अब टाइट वाली। तो ताओबत की तरफ रास्ते में ये ग्लेशियर्स इस तरह हैं, और ये जो है पूरी बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया हुआ है, बर्फ़ की दीवार बनी हुई है, और शदीद किस्म का ऑफ रोड है ये। ये देखें ग्लेशियर पिघलने, चलो जी हो गया ये भी। आगे और भी ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं। ओहो सर्दी हो रही है टाइट। चलते हैं बस ताबत, 13 किलोमीटर रह गया है, और सूरज ग्रुप होने में तकरीबन 20 मिनट हैं। एक्सट्रीम ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है भाई। इस वक्त गोल्डन आवर जो है चल रहा है, और सूरज बहुत ऊपर है। ये बिल्कुल पहाड़ों के जो है बीच में जो है रास्ता है, इस वजह से जो है फुल टाइम यहाँ पर अंधेरा हो गया। और ये ग्लेशियर्स हैं, इनके बराबर से गुजरो ऐसी कूलिंग आती है, ये मेल्ट हो रहे हैं, प्योर ग्लेशियर वाटर। ये भी बर्फ़ पड़ी, ये भी बर्फ़ पड़ी। इस वक्त 7:15 हो रहे हैं,
तो ये कोई आप हिसाब लगा लें कि कितने घंटों से हम नॉन स्टॉप राइड कर रहे हैं। ये देखें, बीच बीच में ना यूं पत्थर निकले हुए हैं, नज़र भी नहीं आते, और ऊपर चढ़ाई है उस पर भी लाइट नहीं पड़ती। बड़े ध्यान से चलाना पड़ रहा है, वरना वो ऐसा झटका आता है कंधों पे, वो डायरेक्ट पड़ता है। तौबत तौबत आ जाओ, तौबत तौबत, नहीं तो कोई ऐसी अच्छी जगह आ जाओ जहाँ हम कैंप अपना लगा लें। तौबत, एक बात तो कंफर्म है कि आज रात में ठंड होगी टाइट वाली। ये जो सब अभी पीला पीला हुआ है ना, ये जो है सीज़न में सब ग्रीन ग्रीन होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है और सर्दी है ठीक ठाक, बेचारे पौधे भी जो है कैसे ग्रीन होंगे। लेकिन इस सीज़न में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको सर्दी भी मिलेगी और हरियाली मिलेगी, क्योंकि पीछे जो है किरण और नीलम वगैरह में जो है लोअर नीलम में, अपर नीलम में नहीं, लोअर नीलम में हरियाली भरपूर थी। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको देखें बर्फ़ भी मिल रही है, पीछे ग्लेशियर भी था, और आगे मैं देखता हूँ कि शायद तौबत में भी हमें बर्फ़ पड़ी हुई मिले, और अल्लाह करे रात में थोड़ी सी बर्फ़बारी भी हो जाए या कल दिन में मज़ा आ जाएगा। पर लेकिन थोड़ी सी हो, ज़्यादा नहीं, वरना फिर हमारे लिए वापसी आना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सब जो है बर्फ़ बर्फ़ में करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए ना, ये बारिश हुई और ये सब कीचड़ बन गया। अभी यहाँ पर अगर GS 150 होती ना, तो तौबत की चढ़ाइयों पे जो है ना, ये जो इतनी स्टीप चढ़ाई है उस पर उसकी तो बस हो जानी थी, क्योंकि मेरे दो तीन दोस्त हैं वो बलूचिस्तान के ट्रैक्स पे जो है, मैंने उनकी बाइकों की बस होते हुए देखी है। इन ट्रैक पे तो इन ट्रैक पे जो है बस हो जाती उसकी, या फिर बाइक बहुत ही वेल मेंटेन्ड हो। GS 150 भी बहुत वेल मेंटेन हो, वरना उसमें हल्का फुल्का पुलसा भी काम होता है ना, तो इन ट्रैक्स पे बस हो जाती है उसकी। यहाँ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक का एयर फिल्टर भी नॉन जेन्युइन लगा हुआ है, सस्ता वाला, उसके बावजूद भी चढ़ भी रही है मज़े से, और कोई इंजन नॉकिंग या घुटना बाइक का या इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। तौबत रह गया 10 किलोमीटर, बातों बातों में तौबत नहीं आ रहा। लास्ट टाइम मैंने क्वेटा में बर्फ़ देखी थी, और उसके बाद अब यहाँ देख रहा हूँ। वेलकम, थैंक यू ये कोई छोटा सा गांव आया, और यहाँ के गांव के नाम ना बड़े मुश्किल हैं, जीनवाई, फुलावाई, हलमेट, सारे ऐसा लगता है बहन भाई हैं, तो होगा उन्हीं में से कोई ये गांव। अब इसको बस क्रॉस करना है और अंधेरा होने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम बचा और ये अंधेरा हो जाएगा।
शदीद ठंड हो रही है इस वक्त। जी एक और वाटर क्रॉसिंग। हम ही हो के दे रहा ट्रैक। अब आपके सीबी के बारे में क्या रिव्यू है? आए हाय हाय मजा आ गया। यानी 150 सीसी नहीं कोई भी है ना, अगर इसमें 800 सीसी भी हो ना। हां पहाड़ों पे ऐसे ही है, ऐसे ही बड़ी गाड़ियां बल्कि मुश्किल से चलती हैं, बड़ी बाइक बिल्कुल। लेकिन जो ये वाली जो लास्ट चढ़ाई थी ये तो बड़ी वो थी, मजे से चढ़ी है बाइक। आए हाय हाय सर्दी हो रही है इस वक्त टाइट वाली। तावत 9.1 किलोमीटर रहता है अभी भी, तो देखते हैं भाई हम कहाँ तक जाते हैं या कहाँ कैंप लगाते हैं। आप भाई तावत पहुँचते पहुँचते हमें तो हो गई है रात, और अभी भी तकरीबन 3.5 किलोमीटर रहता है, और ये चाँद की रोशनी और उसमें चमकता हुआ किशनगंगा दरिया या दरिया नीलम। तो हम लोग तावत पहुँच चुके हैं और ये देखें बर्फ़ पड़ी हुई है, आगे जाने का रास्ता नहीं है। मतलब हम लोग तो अभी अंदर ही हैं, गेस्ट हाउस वगैरह देख रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी ठंड है। ये देखें कपकपाहट हो रही है, ओए होए 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 होए। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तावत पहुंच गए हैं, और ये है हमारा रूम, और इस रूम के दिए हमने 1000 रुपये, और इस वक्त अजान भी हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा बाहर से, ये देखें और किचन भी है, किचन भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। 1000 रुपये में बिल्कुल मुनासिब मिल गया है, बहुत अच्छा मिल गया है, प्योर लकड़ी का बना हुआ, और ऐसी वाइब्स आ रही हैं अच्छी अच्छी ये रहा किचन। यहाँ पर जो है हमारा खाना बन रहा है, तो फाइनली कढ़ाई हमारी तैयार है फुल ऑर्गेनिक माहौल में, और इन अंकल ने बनाई है। यहाँ पे भी जो है पूरा बड़ा सा ग्लेशियर बना हुआ है। तो खैर इस वीडियो को मैं यहीं पर ही करता हूँ एंड, इंशाल्लाह आपको तावत की ब्यूटी सुबह दिखाऊंगा।